गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है, आज से आपकी आईआर से मेंस यूपीएससी के लिए आईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी आज शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आज से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी आपके टॉपिक रहे हैं जिनके अंतर्गत हमें आज कुछ इससे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या पॉइंट हैं जिसकी हम चर्चा वन बाई वन करके इस टॉपिक के अंतर्गत करते चलेंगे, जिसमें आपके भारत सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सबसे जरूरी क्या है, वो आधारभूत तत्व क्या है जिनके आधार पर जो होते हैं आपके किसी भी देश का दूसरे देशों के साथ उन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए जाते हैं। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो आधारभूतों को जानने के बाद हम ये देखेंगे कि भारत की क्या विदेश नीति रही है, वो क्या किन तत्वों के आधार पर दो पक्षीय संबंध बनाती है, बहुपक्षीय मंचों पर अपना प्रभाव रखती है, उनके पीछे क्या उनके तो उनको प्रभावित करने वाले कारक रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें भारत एवं उसके पड़ोसी देश। आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में अपने पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया अपने शपथ ग्रहण। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो बोली जाती है नेबर फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी सबसे पहले। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमें अपने पड़ोसी राज्यों को वन बाय वन करके आपके भारत के साथ पाकिस्तान संबंध है, चाइना के किस तरह के संबंध है, नेपाल भूटान किस तरह भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है, अफगानिस्तान है, इन सारे जो है पड़ोसी देशों के साथ हम एक एक करके चर्चा करें। इसके बाद आते हैं भारत के अन्य जो महत्वपूर्ण सामरिक या राजनीतिक या राष्ट्रीय आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे कि आपके अमेरिका है, रूस है, यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां पर आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है और आपका जर्मनी है। इसके साथ साथ हम सऊदी अरब जो हमारा अरब प्रायद्वीप है वहां पर, इसके अलावा इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है हमारे लिए आजकल, जो हम अगर हम पिछले कुछ समय से देखें तो इसराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार या साझेदार या व्यापारिक देश के रूप में हमारे लिए उभर रहा कर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना को, जैसे हम देखते हैं हमारी जो चाइना की पॉलिसी रही है या उसको काउंटर करने के लिए हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर हम जापान को और दक्षिण कोरिया को साथ में लेकर चलने की जो हमारी है लुक ईस्ट नीति को पॉलिसी अपने हमने देखी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली जो विदेश यात्रा के लिए जिस देश को चुना था वो थी हमारे जापान। ठीक है, जापान के तहत जो भारतीय पॉलिसी रही है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बाद से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई है उसमें। ठीक है, तो किस तरह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हम उनकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंधों में पिछले कुछ समय से काफ़ी बेहतर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपका दक्षिण कोरिया हमारे लोकेशन, साथ ही साथ आपके आसियान कंट्रीज जो हैं, ठीक है, आसियान जो ग्रुप है उनको हम साथ में लेकर पढ़ेंगे वन बाई वन करके नई चीज़ों, वहाँ एक ग्रुप के रूप में उसको हमारे क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे कुछ द्विपक्षीय संबंध हो गए, हमारे अमेरिका है, और इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है अंतर्राष्ट्रीय मंच जो होते हैं या क्षेत्रीय समूह संगठन, वो हमारे लिए या भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वहां पर, साथ ही साथ यूरोपीय संघ, इसके अलावा आपका आसियान है, भारत का एससीओ में शामिल होना, अभी आपका हालिया में देखा होगा अपने संघाई सहयोग संगठन में भारत को सदस्यता मिल गई, एक पूर्ण राज्य, ठीक है, पूर्ण सदस्य। इसके अलावा आसियान है, बिम्स्टेक है, सार्क है, आपका अफ्रीकी नेशंस जो देश हैं अफ्रीका के साथ, ये सारे जो आपके महत्वपूर्ण संगठन हैं उन पर भारतीय जो विदेश नीति रही है उनके साथ किस तरह से उनको आगे लेकर चलना है, वो किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या भारतीय राजनीति के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको आगे बढ़ने को लेकर, कूटनिरपेक्षता है, पंचशील सिद्धांत है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे, वो किस तरह से हमारे विदेश नीति के लिए वहाँ पर उनके क्या सहायक किस तरह से वो प्रभावित करते हैं, क्या कूटनिरपेक्ष और पंचशील सिद्धांत आज भी हमारे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, क्या उनकी प्रासंगिकता रह गई है आज के समय में क्या नहीं रह गई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे आपका आईआर से संबंधित। ठीक है, आईआर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है आईआर अगर पढ़ना है स्टार्ट करने वाले हैं तो वहाँ पर ये देखिए कि पिछले वर्षों में किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधे हैं या फिर आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर चर्चा की या फिर हमारे नए उभरते हुए जो हमारे संबंध हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध वहाँ पर जो विकसित नए संबंध हो रहे हैं उन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, किन चीज़ों पर ज़्यादा। ठीक है, जिस तरह बोला जाता है कि भारत कोई भी देश अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकता, ठीक है, पड़ोसी हमेशा भौगोलिक स्थिति उसकी हमेशा वही रहने वाली है, इसलिए अगर किसी देश को विकास करना है तो हमेशा अपने पड़ोसी देशों को क्या करना, उनके साथ एक बेहतर तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत एक ऐसा देश है
जिसके पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनती है, ठीक है, या पड़ोसी देश उसके ऐसे हैं जो उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही करते रहते हैं, वो चाहे जितना उदार प्रवृत्ति का या उदार अपनी नीतियों को बनाए लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, ठीक है, उसके साथ लड़ी, या फिर चाइना का रहा हो, वो भी हमेशा भारत को हमेशा दबाने का प्रयास करता है, ठीक है। नेपाल की राजनीति हमेशा स्थिरता का कारण रही है जो भारत के लिए हमेशा चिंता का सबब बनी रही है। बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही उसकी नीतियां बदल जाती हैं। म्यांमार में स्थिरता बनी रहती है, वहां पर भी रोहिंग्या का संकट जिस तरह से बढ़ा है वो हमारे लिए खतरा है। श्रीलंका ने जिस तरह से उसने अपनी हालिया फिलहाल जो होते हैं उसके चीन की तरफ ज्यादा झुकाव आया है, जिससे भारतीय राजनीति या विदेश नीति में थोड़ी सी उसको लेकर चिंता का सबब बना हुआ, ठीक है। मालदीव में उथल पुथल मची हुई है, अफगानिस्तान का कोई पता नहीं रहता है, वहां पर आतंकवादियों का जिस तरह से उनका बोल हावी रहते हैं, तो एक तरह से अगर हम देखें तो कोई भी भारत को छोड़कर कोई भी अन्य जो देश है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से बहुत ही स्थिर नहीं है या आर्थिक रूप से बहुत ही स्थिर नहीं है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं भारत को अपने देश अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने से ज्यादा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अन्य लोगों पर अपनी विदेश नीति पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अपने पड़ोसी मुल्कों को क्या करना है, हमेशा शांत उनको साथ में लेकर किस तरह से चलना है, वो बहुत ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो चूक नहीं कर सकता है। वहां पर अगर वो चूक करता है तो अन्य देश जो है उसका फायदा उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। जहां पर चाइना का आप देखें तो उसने जिस तरीके से अपने विश्व अर्थव्यवस्था में उसने अपनी धाक जमाई है, वो नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को और अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में भी उसने अपनी भूमिका को बहुत ही प्रचंड तरीके से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अगर भारत को यहाँ पर अपने मौजूदा स्थिति को और बेहतर करना है या फिर चाइना के विपक्ष में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना है तो उसे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और अपनी पॉलिसीज को हिसाब से आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। भारत के लिए जो पड़ोसी राज्यों के देशों की बात करें, सिर्फ एक देश है जो पूरी तरह से भारत के पक्ष में रहा है हमेशा से, और वो है भूटान, ठीक है। भूटान जो है भारत के पक्ष में हमेशा से रहा है, उसने चाइना की किसी भी पॉलिसीज को अपनाने से मना कर दिया है हमेशा, ठीक है। तो भारत को आगे किस तरह से भूटान, क्योंकि चाइना बहुत चाहता है कि वो भूटान के साथ भी अपने जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर आगे बढ़े, वो भूटान को भी अपने अर्थव्यवस्था में शामिल करना चाहता है, वहाँ पे वो बहुत सारे रोजगार और संरचना की चीज़ें वहाँ पे बनाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूटान उस चीज़ को हमेशा मना करता है। लेकिन निकट भविष्य में हो भी सकता है कि चाइना उस पर वो अपने पैसे के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से उसके पास हैं प्रोसीजर के रूप में वो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें को अप्लाई कर सकता है, अगर भारत ने वहाँ पर चीज़ों को सही रूप से ध्यान नहीं। नेक्स्ट आती है, अगर हम और चीज़ों पर चर्चा करें तो यहाँ पर हाल फिलहाल में दो देशों के साथ संबंध बहुत बेहतर हुए, एक भारत का अमेरिका का और दूसरा है भारत इजराइल और भारत जापान। ये तीन देश अगर हम हाल फिलहाल देखें तो हमारा जो संबंध सामरिक तौर पर अगर हम देखें तो भी राजनीतिक हो व्यापारिक दृष्टि से देखें तो हमारे बेहतर होते चले गए, ठीक है। अमेरिका, जापान और इजराइल, ये हाल फिलहाल में बहुत ही महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करें तो भारत हमेशा से IMF रहा हो, वर्ल्ड बैंक रहा हो, संयुक्त राष्ट्र रहा हो, वहाँ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य सीट रही हो, ठीक है, वहाँ पे हमेशा वो चाहता है नए रिफॉर्म की बात करता है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ NSG जैसे ग्रुप हैं वहाँ पर वो सदस्य चाहता है, वॉशिंगटन में उसकी सदस्यता मिल गई है, SCO में उसने अपना स्थान बना लिया है, ठीक है, NSG जैसे परमाणु उपयोगकर्ता समूह में भी वो अपना सदस्यता पाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में अगर जहाँ पर उसकी सदस्यता नहीं है या उसमें मुहिम चलाई जा रही है कि उसको सदस्यता मिलनी चाहिए तो वहाँ पर सदस्यता प्राप्त करने का सबका अपने अपने संगठनों का एक तरीका होता है। कुछ जगह पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुमत के साथ अगर आपका निर्णय है तो आप सदस्य बन सकते हैं, कुछ जगह आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए तब आप निर्णय वहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें वहाँ पर भारत की जो परिस्थिति है वो बहुत अच्छी है, लेकिन निर्णय नीति निर्माण में उसकी स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य हैं जो आपके स्थायी सदस्य हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अगर उनके अनुरूप किसी प्रकार का प्रस्ताव है तो वो पारित होने देते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं वीटो का प्रयोग करते हैं और वो चीज़ें वहाँ पर पारित नहीं हो पाती। भारत हमेशा इस चीज़ का विरोध करता रहा है, वो चाहता है कि अब नए जो होते हैं कुछ नए सदस्यों को भी इस अस्थायी सदस्यता की जो सीटें हैं वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे के क्या तर्क वितर्क हैं जब संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास क्या रेफरेंसेस होने चाहिए, क्या कोई बुक पढ़नी चाहिए या कोई मैगजीन है इसके लिए हमें जो पढ़नी चाहिए, हमें क्या प्रिफर करना चाहिए इसके लिए, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी IR को लेकर तैयारी कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास जो होते हैं वर्ड फोकस मैगजीन आती है जिसको आप फॉलो करिए, मंथली आती है मैगजीन आपका हर महीने आती है, उसमें भारतीय विदेश नीति या भारत का अन्य देशों के साथ संबंध
उनके बारे में कहीं ना कहीं चीजें लेकर वो हर महीने के अंक में आती रहती है। तो आप मंथली मैगजीन के रूप में वर्ड फोकस पर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको बुक करनी है तो बुक आपको दो तीन मेहमान नाम बता देता हूँ जिनको आप प्रेफर आप बुक देख सकते हैं और आपको जो सही लगे उनमें से सारी बुक अच्छी हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, एक है आपकी भारतीय विदेश नीति की है पुष्पेंद्र पंत जी की, पुष्पेंद्र पंत। नेक्स्ट बुक है आपकी पंत। दूसरी है भारत की विदेश नीति बीपी मलिक, भारत की विदेश नीति बीपी मलिक। एक अन्य बुक है भारतीय विदेश नीति जे एन दीक्षित की। जे एन दीक्षित। तो इनमें से ये तीन बुक में आप कोई भी प्रेफर कर लीजिए आपको जो बेटर। भारतीय विदेश नीति जे एन दीक्षित, इन तीन बुक और ये मैगजीन जो आप पढ़ने चाहें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में आपको ध्यान देते रहना है क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष या भारतीय प्रधानमंत्री जो होते हैं विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर किस प्रकार के समझौते हुए हैं, क्या वो देश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, इम्पोर्टेंट किस रूप में है, ऊर्जा क्षेत्र में है या आपका परमाणु देश के रूप में है या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में है, तो किस रूप में वो देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी आपका न्यूज़पेपर में जो भी हाल फिलहाल जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए या भारतीय प्रधानमंत्री किसी दौरे पर गए तो उनको आप एक वर्ष के अंतराल में जो भी चीजें आई और गई हैं उन पर आप नजर रखिएगा, न्यूज़पेपर की वो कटिंग निकाल लीजिए और उसको अपने नोट्स के साथ उसको हमेशा रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आईआर के अंतर्गत ये सारे टॉपिक और ये बुक मैगजीन न्यूज़पेपर इनको हमें साथ लेकर चलेंगे तो हमारा आईआर जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसकी तैयारी हमारी साथ ही साथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है सिलेबस प्रेफरेंसेस बुक मैगजीन न्यूज़पेपर रहा। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करने के टॉपिक में कि हम चीज़ों को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कैसे उठानी है और उसके जो बेसिक आयाम हैं उन पर हम चर्चा करना शुरू करें। ठीक है।